हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने कैल कमांड का यूज देखा था कैलेंडर के लिए। इस बार हम देखेंगे डेट कमांड का यूज। पिछली वीडियो में हमने डायरेक्टरी बनाने का कमांड सीखा था, इस बार सब डायरेक्टरी बनाने का कमांड सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें डेट देखना है, तो सिंपली लिखेंगे डेट कमांड। टुडे का डेट आ गया। अब हमको डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो mkdir माई डेटा डायरेक्टरी नेम इंटर, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। इसको देखने के लिए dir, ये देखिए डायरेक्टरी बन गई। अब हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना है, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो pwd इंटर। इस समय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी है। अब फिर से हम इसको चेंज करेंगे, तो चेंज के लिए, चेंज डायरेक्टरी के लिए cd कमांड, और इसको माई डेटा को चेंज करना है, इंटर करेंगे, चेंज हो गया। अब हमको अब देखना है करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो pwd इंटर। अब माई डेटा हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अब फिर से एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे mkdir डेटा वन इंटर, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे mkdir डेटा टू इंटर। अब इसको देखने के लिए dir कमांड का यूज करेंगे, इंटर। ये देखिए डेटा वन और डेटा टू, ये दो डायरेक्टरी बन गई है। अब इसके अंदर हमको सब डायरेक्टरी बनाना है, तो चेन डायरेक्टरी cd डेटा वन। अब हम डेटा वन के अंदर आ गए हैं, फिर इसके अंदर हम एक सब डायरेक्टरी बनाएंगे, तो mkdir हेलो इंटर, सब डायरेक्टरी बन गई। अब डेटा टू के अंदर हमें सब डायरेक्टरी बनाना है, तो cd डेटा टू